हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस यानी कि CCD, आपने नाम सुना होगा कैफे कॉफ़ी डे का, और साथ में माइंडट्री का भी आपने नाम सुना हो। आज की डेट यानी कि 30 जुलाई 2019, तो कैफे कॉफ़ी डे यानी कि CCD का शेयर आज बिल्कुल डूब गया। 20% डाउन के साथ ही आज बंद हुआ, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन सामने आ रहा है। जो इनके मालिक थे VG सिद्धार्थ, और साथ में वो कुछ टाइम पहले उन्होंने माइंडट्री के में भी अपना 20-21% का शेयर जो है वो बेच दिए थे LNT को, वो मंडे शाम से गायब बताए जा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ अपडेट इसके ऊपर है, उसको जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। देखिए यहाँ पे CCD कॉफी डे एंटरप्राइजेस, ये देखिए आप, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का शेयर है, 154 पे आ गया है, गिर के 38 रुपये की आज की गिरावट, ऑलमोस्ट 20% नीचे होके बंद हुआ ये आज की डेट में। कैफे कॉफी डे CCD जिसको कहा जाता है, और अगर आप इसको देखोगे, इसके टेक्निकल्स देखोगे, देखिए कैफे कॉफी डे 191 का प्राइस था और बिल्कुल नीचे गिर चुका है आज 20%। कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो 6,000-6,500 करोड़ का डेट भी है, सेल्स ग्रोथ 6.5% के आसपास की है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रमोटर थे VG सिद्धार्थ, वो मंडे इवनिंग से गायब बताए जा रहे हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ सिद्धार्थ लास्ट नोट डाउटफुल, और उन्होंने एक लास्ट नोट भी लिखा है कंपनी को, यानी कि CCD को उन्होंने, कॉफी डे ग्रुप को उन्होंने नोट भी लिखा है, एक नोट भी छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उस नोट की ऑथेंटिसिटी को डाउटफुल बता रहा है। और अगर आप VG सिद्धार्थ को नहीं जानते, देखिए उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर बात की जाए, तो कर्नाटक के जो अभी एक बार चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, अब वो BJP में शिफ्ट हो गए, SM कृष्णा जी, उनके ये सन इन लॉ हैं VG सिद्धार्थ। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसा बताया जा रहा है कि भैया वो रिवर तक गए थे, आगे अपनी इनोवा गाड़ी से उतर के आगे तक गए थे, उस ब्रिज के बाद वो नहीं मिले, वो गायब हो गए। तो यही अब तक की इन्फॉर्मेशन है, और उनका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पे शेयर बिल्कुल डूबे जा रहा है, और यहाँ पे CCD के जो फाउंडर VG सिद्धार्थ, अगर कोई अभी तक लाइव अपडेट है नहीं, और अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया आ रही है उनके ऊपर कि भाई अच्छा खासा डेट था, बहुत स्ट्रेस में थे, और स्ट्रेस में होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे कुछ गलत कदम ना उठा लिया हो, या फिर वो कुछ प्लान कर रहे हो यहाँ पे, तो काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। फिलहाल CCD कर कॉफी डे एंटरप्राइजेस का अगर आप शेयर देखें आज की डेट, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें गिरावट देखने को मिला, शेयर बिल्कुल नीचे धकेला गया, ऑलमोस्ट 153 के लेवल पे आ चुका है। आप खुद सोचिए कि अभी LNT को उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से माइंडट्री बेचा था, और अब यहाँ से वो डेट के चक्कर में, उधार के चक्कर में अचानक ऐसे गायब हो गए, और इसके ऊपर यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट भी पूरी मदद कर रही है उनको ढूंढने की कि वो कहाँ गए, और अब तक ऐसा भी नहीं है कि उनकी कहीं पे डेड बॉडी या कुछ मिला हो, ऐसा भी कोई प्रूफ अब तक मिला नहीं है कि कोई कहे कि सुसाइड एंड ऑल कर लिया, लेकिन ऐसा भी अब तक कुछ भी प्रूफ नहीं मिला, उनके कोई ट्रेसेस मिल ही नहीं रहे हैं। चलिए फिलहाल हमने बात करी CCD की, साथ में मैं आपको CCD के अगर प्रोमोटर की बात करूँ, VG सिद्धार्थ जी जो गायब हुए हैं, उनका 32% होल्डिंग यहाँ पर CCD में है, ऑलमोस्ट 6,91,00,000 शेयर्स उनके पास अभी CCD में है, और साथ में अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे शेयर्स अपने गिरवी रखे हुए हैं, ये देखिए आप। तो ये अपडेट थी कॉफी डे एंटरप्राइजेस से आज की डेट में। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। आपकी अपनी राय इस न्यूज़ के बारे में जरूर बताएं कमेंट के थ्रू, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।